बताता हूँ सर। हाँ सर, 15 के आसपास हो गए। वो वेरी गुड, 15 प्रोजेक्ट्स पकड़। सिर्फ टावर वाला वगैरह पकड़ के वो सर। नहीं, उसको छोड़ के मतलब बिल्डिंग्स के जनरली 10 के आसपास हो गए, राइट? हाँ सर, बिल्डिंग के 10 के आसपास हो गए। हाँ, बाकी ओवरऑल 15 है। हम ओवरऑल को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अभी हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पे है। तो अभी हाँ सर, ओके, 10 हो गए हैं उसपे से। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? अभी आज से पोर्टफोलियो पे लग जाओ कि पोर्टफोलियो कैसे, मैं अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, कैसे करना मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। तो अभी सैटरडे संडे को मिलके पोर्टफोलियो रेडी करो, और ऐसा पोर्टफोलियो रेडी करो कि मंडे तक तुम्हारा पोर्टफोलियो लगभग लगभग फिनिश के तौर पर आ जाए, ठीक है? ठीक है यही हमारा काम रहेगा विथ लेक्चर वॉच। वॉच लेक्चर, अभी लेक्चर कितने तुमने कंप्लीट कर लिए हैं? सर, 27 तक आया हूँ। वेरी गुड। एक्सेल सीट बन गई है? हाँ सर, भेज दिए एक्सेल सीट में। एक्सीलेंट। तो तुम्हारा काम मस्त है, बहुत बढ़िया। चलो अभी देखता हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट, मैं बार बोलता हूँ, ठीक है? ओके सर, ठीक है। चलो ठीक है। समीर अपना माइक ऑन करो। पृथ्वी विराज पाटिल अच्छा कर हेलो, रहे हैं। हाँ समीर, तुमने गुड कितने, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड। तुमने कितने लेक्चर कंप्लीट किए हैं? मेरे सर 13 ही हुए हैं। मैंने प्रोजेक्ट भेजा था कल, एक उसका 30x54 का, और एक्सेल शीट भी भेज दिया सर। ओके, और क्या बोलते हैं, अब तक ओवरऑल कितने प्रोजेक्ट कर लिए तुमने? अभी तक सर एक तो फ्रेम वाला गया सिंपल, एक दूसरे उससे बाद जो करवाया था, ओवरऑल बताओ ना, तीन ओवरऑल अप्रोक्स। ओवरऑल सर। 10 हो गए? नहीं सर, तीन चार को हो गए होंगे, चार क्यों इतना पीछे चल रहे तीन हो? चार। अभी देखो तुम्हारे सामने पृथ्वी बीरज का 15 प्रोजेक्ट हो गया है ना हाँ अभी। सर। अब इसका मतलब समझ रहे हो ना कि तुम स्पीड स्लो कर रहे हो, और ये समझो कि हमारे पास पूरा दिन है, ठीक है? जी जस्ट सर। थिंक इसकी, इस दिन की प्रोडक्टिविटी लाइक 24 घंटे में केवल 1.5 घंटे तुम्हारा क्लास निकाल दो, बाकी सब टाइम तुम्हारा है। तो यू नीड टू ग्रो फास्ट, ठीक है? जल्दी करो नहीं तो पीछे हो जाओगे, ठीक है? ओके सर। और क्या सर एक बोल, वो पूछना था बोलो बोलो। कुछ। सर आपका, आपने वो यूट्यूब पे वीडियो देखा मैंने आपका सर। कौन सा सर वो लास्ट वीडियो था आपका, जो उसके रिगार्डिंग जॉब के जॉब रिगार्डिंग? के रिगार्डिंग, जिसके टेस्ट होगा, मतलब वैसा हाँ, कुछ। उसका प्रॉपर टेस्ट होगा एंड द टेस्ट इज वेरी हाई लेवल, ठीक है? वो जो पास करेगा ओनली हम उन्हीं का हेल्प करेंगे, ओके 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 ठीक है? सर, तो टेस्ट ठीक इसका है सर। कल, कब कब होगा टेस्ट सर टेस्ट? अप्रॉक्स 10 फरवरी के आसपास होगा, ठीक है? और वो टेस्ट जो जो क्लियर करेगा हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे फॉर गेटिंग द जॉब, ठीक है? उनका हम उसमें सर बुक क्या टेस्ट में क्या रहेगा, सिलेबस हम आपको सिलेबस? बता देंगे, जनरली 1 फरवरी के आसपास सिलेबस बता देंगे। और जनरली ये जो पढ़ रहे हो यही रहेगा, स्टैट रहेगा, ईटैब रहेगा, स्ट्रक्चर्स रहेगा, आरसीसी रहेगा, टॉपिक्स हम दे देंगे 1 फरवरी के आसपास, और वो सारे ठीक है सर। टॉपिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। जिसने भी वो टॉपिक्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया, प्रिपेयर कर लिया और इंटरव्यू क्रैक कर लिया, 60% मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया है, उसको हम पर्सनली एक ग्रुप में डालेंगे और उसको मैक्सिमम मतलब कोशिश करेंगे कि वो प्लेस ही हो जाए, ठीक है? ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसके लिए, ठीक है? तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्टैट पूरा रहेगा उसमें, तो अब ऐसे आइडिया लगा लो कि 1 तारीख तक स्टैट तो पूरा होना ही चाहिए, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर, एक तारीख को बता दीजिए। चलेगा। चलो साहिती अपना माइक ऑन करना। साहिती, ओके, हेलो, यस साहिती। साहिती हाउ गुड मेनी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ मेनी लेक्चर्स यू कंप्लीटेड? 29 तक कंप्लीट किया सर, ग्रेट। एंड 30 हाफ ही मैंने कंप्लीट किया। ओके, मीन्स नियर टू 30 यू आर, राइट? ग्रेट। एंड नेक्स्ट इज लाइक अप्रॉक्स 15 बजे तो तुमने कर लिए होंगे ना स्टार्ट में? हाँ, जो भी आपने दे दिया सारे ही मैंने कर वो सब लिया। कर ओके, लिया। अब हम क्या करना है, नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है, जितने प्रोजेक्ट हमने कर लिए सारे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग करनी है, गॉट इट? आई जस्ट सेंड यू द सीट्स, मैं तुमको सेंड करूंगा सीट कि कैसे कैसे बना के करना है, ठीक है? तो वैसे ही करके जितने हमारे 15 प्रोजेक्ट हुए हैं हम उनके सीट्स बनाएंगे सो दैट कि वी कैन क्रिएट द पोर्टफोलियो। तो अभी मैं पोर्टफोलियो का सैंपल दिखाने चल रहा हूँ, एंड तुम लोग को सैटरडे संडे में स्टार्ट कर देना पोर्टफोलियो बनाना, एक दो स्टेप तो हो ही जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि पोर्टफोलियो ठीक रहेगा है तो सर। हम लोग किसी भी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं ना कि हमारी ये क्वालिटी है, यू कैन जस्ट सी आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक? तो आई जस्ट अभी मैं ठीक तुमको है सर। बताता हूँ तुम्हारा परफॉर्मेंस, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे जो स्लैब में है वो स्लैब में अच्छा चल रहा है,
कोशिश यही रहेगी कि तुम्हारा जो रिटन टेस्ट हो, स्क्रीन टेस्ट पास कर लो तुम, ठीक है? चलो ठीक है सर, थैंक ओके ओके गुड। चलो रेहान अपना माइक ऑन करना। हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग रेहान, कितने लेक्चर्स हो गए तुम्हारे अभी तक? सर, मेरे 26 हो गए। 26, थोड़ा पीछे चल रहे हो। और प्रॉक्स प्रोजेक्ट कितने हो गए होंगे तुम्हारे? सर आपने जो भी दिया था प्रोजेक्ट पूरे हो गए सर। सारे प्रोजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। हाँ सर, अभी हो हम गए। लोग प्रयास करेंगे उन प्रोजेक्ट्स का डिटेलिंग कर करके पोर्टफोलियो में ऐड करने का, ठीक है? एटलीस्ट सर, ओके। उसमें से टॉप 5 जो तुमको लगते हैं कि मैंने एकदम बेस्ट किए हैं, ठीक है, यस सर। उन्हीं टॉप 5 को निकालना है, उन्हीं की डिटेलिंग करके उन्हीं को ऐड करना है पोर्टफोलियो में। सर वो फुटिंग्स जो ओवरलैप होते हैं वो क्या या वो क्या करना होता है सर, मैंने जो जो लास्ट आसपास के फुट। लास्ट दिन टाइम मैंने बताया था, तुम नहीं थे क्या? मैंने बताया था कि फुटिंग जब कभी ओवरलैप करे तो पहली बात तो ये देखो कहीं कंबाइंड फुटिंग का क्लॉज तो नहीं बन रहा है। यस जनरली सर, हर जगह जरूरी नहीं कंबाइंड फुटिंग बने। तो दूसरी चीज क्या करनी चाहिए हमें, हमारे पास कॉलम का एक्सेल सीट, हमारे फुटिंग का एक्सेल सीट तो है ना तुम्हारे पास, मैंने ग्रुप में भेजा है, यस सर, ठीक है? देखो कि वो जो पर्टिकुलर कॉलम है जिसका ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, उसका पीयू कितना आ रहा है। पीयू कैसे देखोगे, उस कॉलम को डिजाइन करने के बाद कॉलम के लास्ट पॉइंट पर डबल क्लिक करोगे तो रिपोर्ट आता है ना कंक्रीट डिजाइन, यस सर, ठीक है? कंक्रीट डिजाइन में देखो ओके वहां पे सर, पीयू एमएक्स एमवाई दोनों रहता है, ठीक है? यस सर, तो ये तीनों वैल्यू को लो और अपने एक्सेल सीट में डाल दो। और ओके उसके सर, बाद क्या होगा, एक्सेल सीट तुमको मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड दे देगा, ठीक यस है? सर, तो मिनिमम सपोज मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड कितना है, 6 mm² है, कितना है, 6 m², राइट? तो जब यस सिक्स सर, मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है तो फिर तुम देखो कि सॉफ्टवेयर ने तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि यस सॉफ्टवेयर सर, तो प्रोवाइडेड दिया है ना, मिनिमम नहीं दिया, प्रोवाइडेड दिया है। यस सर, तो सॉफ्टवेयर का तुमने देखा कि सॉफ्टवेयर एक तरफ दिया हुआ है 2.5 m और दूसरी तरफ दिया हुआ है 2 m, सॉरी दूसरी तरफ दिया है 3 m, ठीक है? तो अभी यस सर, मल्टीप्लाई करके तुमने देखा तो कितना आया, 3 × 2 = 6, क्या बोलते हैं, अप्रोक्स 6 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है? यस सर, तो तुम देखो कि इसको हम कम कर सकते हैं क्या, यस कम कर सकते हैं, 2.8 × 2.5, ऐसा कर दो, 6 के अंदर आ जाएगा क्या? नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो, समझ रहे हो? तो यस सर, मिनिमम के आसपास रख दो। फिर हम मैन्युअली ड्रॉ करके वहां पे ये कर दे लगा देंगे। ड्रॉ क्या करना, उसी को अंदर ऑफसेट कर लेना है, हाँ ठीक है सर, ठीक है? तो इस तरीके अभी कोई ओके। दिक्कत तो नहीं आ रहा है। नहीं सर, सर एक्सेंट्रिक फुटिंग कैसे डिजाइन करते हैं सर? इसेंट्री का भी एक्सेल से दूंगा, बाकी स्टैट से भी कर सकते हो, बट स्टैट में उसका एरिया बहुत ले लेता है, प्रोवाइडेड जो होता है बहुत ज़्यादा सर, ले लेता है, तो हम इसलिए उसका एक्सेल शीट भी दूंगा। और सेप में भी सबसे अच्छा डिजाइन सेप में होता है उसका, तो जब सेप पढ़ेंगे तो उसको भी सीखेंगे, बट अभी के लिए एक्सेल शीट दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो अभी और तो कोई समस्या नहीं आ रही है, नहीं सर, ठीक है? आज का हमारा पूरा लेक्चर जो है समस्या बेस्ड है, तो अपने दिमाग में याद कर लो, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको भी बोलना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ठीक है? तो मैं उसको यस लिख सर, के ओके नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर दूंगा। ओके सर, चलो अभी तुम फोकस करो कि तुम्हारा लेक्चर जो है बराबर पे आए, 4 लेक्चर पीछे चल रहे हो तुम ना, यस सर, वो अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है सर। हाँ ठीक है, चलो करो। ओके रेहान, विक्रम अपना माइक ऑन करना। विक्रम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तुम्हारा कितना लेक्चर हो गया स्टार्ट में अभी तक? सर 29 का हाफ हुआ, 28 29 पूरा कंप्लीट, 29 का हाफ हुआ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, मतलब लगभग लगभग फिनिश पे ही हो, ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं चल रहे हो। ओके और तो प्रोजेक्ट भी तो तुम्हारे सारे ही हो गए मुझे लगता है। प्रोजेक्ट सर, जो फार्मेसी कॉलेज का आधा हुआ आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके आज कंप्लीट करके उसका डिटेलिंग करना है। अब हमने जितने यस भी सर, प्रोजेक्ट कर लिए अब सारे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग्स पर टूटेंगे हम लोग। मैं सैंपल्स दे दूंगा कुछ प्रोजेक्ट्स के डिटेलिंग का, तो वो ऐसे ही करके सो दैट उस डिटेलिंग को हम पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर दें, है ना? ओके सर, अभी मैं लेकिन बता, सर वो जो आशीष होटल वाला प्रोजेक्ट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, स्टैट में कोई वार्निंग नहीं आ रहा है, लेकिन जब आरसीडीसी में फेल रहा हूँ उसका कलम में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आरसीडीसी को इग्नोर करो, स्टैट के डाटा को फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि आरसीडीसी का ओके सर, डाटा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या होता है, इस पे लोड कॉम्बिनेशन लगा रहता है, उस पे भी लोड कॉम्बिनेशन लग जाता है, ठीक है? दोनों मिला के इतना ज्यादा रेनफोर्समेंट दिखा देता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है? अभी देखो उन्होंने पूछा ना ओके सर, मिनिमम फुटिंग का साइज कभी क्यों देखते हैं ना ओवरलैप करने लगता है, ठीक है? बट जब हाँ हाँ उसको सर, वो तो मैं, आप पहले दिन बोला, हाँ तो अभी ये चीज एग्जैक्टली देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम थोड़े से मैनुअल सेंसिटिव ना बने, मतलब थोड़े से अपना इंजीनियर वाला माइंड ना लगाएं, तब तो सीधी सीधी बात है वैसे ही ड्राइंग दे देंगे, उसके दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम जाएगा फिर तो ना, ठीक है? ओके तो सर, वो लेकिन उसका प्रैक्टिकल, क्या करें यार सर, फाउंडेशन में भी एक कलम एक फाउंडेशन इरोड आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए, आपको भेजा क्या? होगा हाँ सर, चलेगा, मैं देखता हूँ अभी, फाइल चेक करता हूँ क्या आ रहा है उस फाइल में। एक फाउंडेशन इरोड आ रहा है, कैसे पता नहीं चल रहा है क्या इरोड है।
अच्छा एरर बोल रहा है वो, बट कर दिखा नहीं रहा है कुछ एरर। ना उसका कोई रेनफोर्समेंट भी नहीं दिखा रहा है, एरिया भी नहीं दिखा रहा है, बाकी सब कुछ सही है। स्टैंड में यही एक समस्या होती है, जैसे क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो अभी प्रैक्टिकली फेस किया होगा तुमने कि जब छोटा प्रोजेक्ट था बड़ा आराम से हो जाता था। हाँ छोटा प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, इसमें सभी जा रहा है, सिर्फ एक हाँ इधर आ रहा है। ठीक है, ये बड़े प्रोजेक्ट में यही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग ई टैप्स को, हाई रेंज बिल्डिंग्स के जितने प्रोजेक्ट होते हैं सब में लोग ई टैप्स प्रीफर करते हैं, क्योंकि स्टैट में G+8 में देखा तुम्हारा क्या हाल हो गया, या फिर सबका ही हाल वही होता है। एनालिसिस करनी है तो सीए रोल लगा दिया तो 15-20 मिनट तो एनालिसिस में लग जाता है, तो ये उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, चलो तभी तुम्हारा अच्छा चल रहा है। ठीक है विक्रम, अजीम अपना ओके जी, माइक, थैंक यू। ओके ओके जी, अजीम अपना माइक ऑन करना। अजीम अहमद, हेलो। हाँ जी, आजकल तुम प्रोजेक्ट कम कर रहे हो क्या अजीम? यस सर। नहीं सर, मेरा ये भी हो गया, फार्मेसी का हो पूरे गया, प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट हो गए मेरे। वेरी हाँ गुड, और लेक्चर भी पूरे कंप्लीट हो गए। नहीं, लेक्चर नंबर 26 पे हूँ सर। लेक्चर ऑलरेडी हो गया था ना सर, मगर रिवीजन चल रहा, बल्कि ओके, 26 में हूँ मैं, कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो कोशिश करो कि वीकेंड तक, मैं इस बार लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीकेंड को लेक्चर नहीं दे ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ 30 तक है अपना, तो जी, 30 तक कवर कर लो, इसलिए कि मैं वीकेंड दे ही नहीं रहा हूँ लेक्चर नया, ठीक है। और ओके अभी सर। अब स्पीड से भी सुन सकते हैं वो 2.5 की, क्यों बोला तो मैं ऑलरेडी देखा हुआ हूँ ना वहीं, हाँ, बिल्कुल तो फास्ट स्पीड फास्ट सुन सुनो। ले सकता हूँ ऐसा कुछ। और अभी अभी क्या है, अभी से सारे लेक्चर तो अभी समझ में आते रहे होंगे, अब तो सब समझ में आता होगा, ये सर जी। हाँ जी, हाँ सर। ठीक है, अभी सर हम एक लोग, डाउट हाँ है, बोलो बोलो, ये RCTC में जब स्लैब स्लैब डिजाइन कर रहे ना सर, तो अपन कर उसमें पैनल टाइप में वो कुछ एडजस्ट टू एडजस्ट वो समझ में नहीं आया सर, वो कब क्या लेना। HS2HS मैं करके दिखाता हूँ एक स्लैब डिजाइन। नहीं सर, पैनल टाइप में अगर मैनुअली कैलकुलेशन, RCTC तो खुद ओन ले ले रहा, हाँ, मगर मैनुअली में अपने को ये करना पड़ता ना सर, एक्सेल शीट में जाते वो फिर। फाइल मुझे भेज दो, अभी जब पुट करके दिखाना मुझे कि ये सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसी समय तुमको बता देता हूँ। मेरे पास है सर एक एक्सेल शीट है, मैं आपको ग्रुप में ही डाल देता हूँ, आप देखिए उसको खोल के। एक्सेल शीट में आ रहा है कि उसमें आ रहा है प्रॉब्लम, RCTC नहीं, में? एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट में RCTC तो खुद ले ले रहा ना सर, वो अच्छा, अपने आप ले ले रहा एक्सेल शीट ऐसा। स्लैब का हाँ, एक्सेल शीट स्लैब में जब मैनुअल कर लेना मैं दूंगा, अपन, दूंगा तो वो कैसा डालना वो बता दीजिए मैं सर एक तुमको बार। पहले एक्सेल शीट जो दूंगा उसको यूज करो, ठीक है, ओके जो सर, हमने जो एक्सेल शीट बनाई हुई है पूरी कॉर्पोरेट बेस है, समझ गए, ओके सर। तुमने पता नहीं कौन सी यूज किया होगा, फिर भी भेज देना तू, लाइक वो अच्छी बात है कि कुछ साथ कुछ हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, बट मैं एक्सेल शीट दूंगा उसको यूज करना, ठीक ओके है, सर, बस यही डाउट रह उसमें कुछ गया। डाउट, उसमें कुछ दिक्कत रहेगा जो मैं एक्सेल शीट दूंगा तो मुझे तुरंत बोलो कि सर ये वाली एक्सेल शीट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। और एक सर, ये डिजाइनिंग में तो अच्छा मास्टर बन गए सर, ये डिटेलिंग की हाँ, एक अब परेशानी थी इसीलिए डिटेलिंग की हमने बोला ना सर। कि अब हम पूरा एक हफ्ता डिटेलिंग पर जीने वाले हैं, गॉट इट, यस सर अभी हम लोग SP34 पढ़ेंगे, ठीक है, रेनफोर्समेंट जी, डिटेलिंग्स एक एक चीज का पढ़ेंगे, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, फुटिंग का, तो अब हमारा पूरा एक हफ्ता जो है वो डिटेलिंग चलेगा, अब डिजाइनिंग हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, यस सर, क्यों जी, अब आपके बोलिए जो बोलिए। आपके जो पूछे पुराने बचे हुए हैं आपके अंदर से सबके जिसके पुराने बचे हैं फटाफट कर लो, अब एक हफ्ता पूरा हमारा जो इस ये वीक रहेगा मंडे से लेके नेक्स्ट तक ये डिटेलिंग का रहेगा, और उस एक हफ्ते में हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हफ्ता हमारे ई टैप पर एंट्री हो जाए, व्हाट इट, ओके तो सर। अब सर इसमें जब RCTC में तो डिटेलिंग बता रहा, मगर कॉलम के हद तक वो अच्छा है सर, बीम में बहुत सारे ऊपर 5 रॉड नीचे 5 रॉड, वो तो उतना तो इकोनॉमिकल इसीलिए, भी नहीं होता ना हाँ सर, इस इसलिए उसीलिए बोला कि वो प्रॉब्लम प्रैक्टिकली तो दे ही नहीं सकते ना उसको, नहीं दे ठीक सकते है, सर, वो तो तो इम्पॉसिबल है अभी सर जी प्रैक्टिकली हमें AST देख के, ठीक है, AST देख के हमें सर। बीम की डिटेलिंग करनी पड़ेगी, कि हमें ये देखना पड़ेगा परसेंटेज कितना हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्रैंक में कितना परसेंट जा रहा है, बार में कितना परसेंट जा रहा है, एक बार का एग्जैक्टली एरिया ऑफ एनफोर्समेंट कितना मतलब होता है, ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अभी हमारा जो एक हफ्ता पूरा चलने वाला है डिटेलिंग पर चलने वाला है, और कोशिश करना है कि एक हफ्ता क्लास मत मिस करो जिससे कि सब क्लियर हो जाए छोटी छोटी नहीं नहीं चीजें, सर, क्लास तो मिस नहीं हुई मेरी अभी तक, मगर सर पूरा डिटेल मींस पूरा डिटेल में अपन जैसा हाँ प्रैक्टिकल वे में जैसा आप देते ना सर, वैसे ही करेक्ट, बताइए। कल के दिन अगर स्ट्रक्चर डिजाइन डाले तो वो बोलना कि अरे भाई सही है हाँ ऐसा, वो ठीक, हिसाब से वो बताइए सर ऐसा लगना चाहिए जी कि आपने सर। ड्राइंग जो दिया है इस ड्राइंग का कुछ मीन निकल रहा है, यस ठीक सर, है, तो बराबर अभी हमने जितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं अब हमें सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग करनी है,
ठीक है, सर, ठीक है ठीक है। तो ठीक है उसमें क्या सर। होगा कि अभी 15 प्रोजेक्ट हुए हैं, जिसमें से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 12 प्रोजेक्ट तो सबके ही हो गए होंगे, तो 12 प्रोजेक्ट की यस डिटेलिंग करेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5-6 प्रोजेक्ट की डिटेलिंग खराब कर दोगे आप, लेकिन जो 5-6 अच्छे जी करोगे उनको हम पोर्टफोलियो में ऐड कर देंगे। गॉट इट? ओके सर। ठीक है। अब हमारा अब नया प्रोजेक्ट नहीं है, अब इसी को करेंगे, अब नया प्रोजेक्ट करेंगे डायरेक्ट ई टैब में, वो भी नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक रहेगा। ओके चलो अजीम का सर, ठीक है, इसमें ये 1 वीक में आरसी कैट भी सिखा देंगे सर आप, कोशिश यही डिटेलिंग कोशिश यही जैसे। रहेगा कि आरसी कैट भी बता दें, वो टाइम पर है। पहले हम लोग SP34 पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेलिंग का कोड नहीं पता रहेगा ओके ना, तो फिर आप डिटेलिंग कर ही नहीं सकते हो। ठीक ओके है, ओके सर, एस पी ठीक थर्टी फोर फिर डक्टाइल डिटेलिंग्स, फिर टाइम मिला तो आरसी कैट। ठीक है सर, चलो थैंक यू। ओके, चलो ये तो हो गया अजीम का। और क्या बोलते हैं, फिर अजीम का जो टॉपिक है वो तो अपना नेक्स्ट वीक का पूरा टॉपिक ही है, अच्छी बात है। और हसन अपना माइक ऑन करना, हसन। यस सर, हेलो। हाँ सर, तुम्हारे कितने लेक्चर हो गए हैं अभी तक? सर 30 कर चुका मैं। समी रिकॉर्डिंग हो रहा है, डोंट वरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 30 तुमने कर लिया। अभी स्टैट का मुझे लगता है एनालिसिस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डिजाइन में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नहीं, डिजाइनिंग में दिक्कत नहीं है सर, बस वो होटल फार्मेसी वाला प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कॉलम टू होटल का? कॉलम चेंज हो जा रहा है बार बार। हाँ उसमें तो प्लान ही ऐसा है ना, तो क्या तो चेंज सर हो रहा है चेंज कर उसमें? सकते हैं क्या, फर्स्ट फ्लोर का अलग, सेकंड फ्लोर का अलग? नहीं, इतनी छोटी बिल्डिंग में चेंज करना अच्छा नहीं रहता है। प्रैक्टिकली जब आपके G+10 G+8 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, G+5 के ऊपर जा रहा है तब चेंज करो तो प्रैक्टिकली बनता है। अब इतनी छोटे से प्रोजेक्ट में एक बार सेटरिंग लगाया फिर उसके फिर ऊपर लगाओगे, अच्छा नहीं लगेगा वो। थ्रू आउट चले जाओ, बल्कि थोड़ा ज़्यादा कॉलम का साइज ले लो, ठीक है, जो प्रैक्टिकली अगर तुम्हारे 450 बन रहा है तुम 550 ले लो, बट थ्रू आउट जाओ। ठीक है अभी मैं सर, देखता हूँ प्रोजेक्ट तुम्हारा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की हमकी डिटेलिंग भी हमें करना है और करके एक्चुअली क्लाइंट को भी भेजना है, तो तुम लोग का ही प्रोजेक्ट भेजेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो अभी भेजे ऊपर फाइल उसको। सर अभी मैं घर पर नहीं हूँ, घर के बाहर हूँ। चलो ठीक है, पहुंच के मुझे भेजो। ठीक है सर, थोड़ा लॉग इन में इश्यू आ रहा है सर, मेरे क्या फोन दिक्कत से है, हो ही नहीं रहा सर। क्या बात कर रहे हो? मैं फोन, आईपैड से लॉग इन किया था लास्ट टाइम, तो वो आईपैड हाँ से हो रहा है, फोन से नहीं हो रहा मेरा। नहीं तो फिर आईपैड में जाके लॉग आउट करना पड़ेगा। अच्छा। आईपैड में लॉग आउट करोगे, ऐसा होता है कि जिससे कि वन सिस्टम वन यूजर होता है नियम, ठीक है। तो अगर क्या बोलते हैं, तुम सेकंड यूजर हो गए ना फिर, तो अगर उसमें भले ही लॉग इन है ना तो तुम सेकंड यूजर हो गए, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। वन यूजर वन सिस्टम, तो उसको लॉग आउट चलो करो वो ठीक है चल सर, जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलो थैंक यू सर। ओके। चलो आशन का फिर भी अच्छा चला, इन्होंने 30 तक पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। आलम तुम्हारा भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है आलम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई दिक्कत आ रही है? सर वो फार्मेसी वाले प्रोजेक्ट में सर वो कॉलम का थोड़ा दिक्कत आ रहा है उसमें, कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कॉलम रखूँ? कैसे। यस सर। ओके, और कहीं रखा हुआ है तुमने, मतलब प्रैक्टिकली भी अभी कहीं ट्राई किया रखने का? जी, मैंने सेंड किया फाइल सर। ओके ठीक है, अभी देखता हूँ, मतलब कि तुमने फाइल भेजा हुआ है और लगाया हुआ, बट पता नहीं चल रहा है कि सही लगाया है कि नहीं। यस सर, यस सर। ओके, तब तो एनालिसिस भी नहीं किया होगा। नो सर। ठीक है, ट्राई तो करना था, गलत ही कर लेते हैं। चलो फिर भी तुमने कॉलम रखा हुआ है, लेकिन कॉलम तुम लास्ट टाइम मुझे लग रहा है कि तुमने रखा था। जी रखे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि सारे में लगाया ना सर, तो फिर हाँ इसलिए देख रहे कि सही है या गलत है सर। ओके, चलो मैं देखता यस हूँ। और क्या बोलते हैं, तुमने कितने कॉलम के लेक्चर कितने हो गए तुम्हारे? 30 लेक्चर हो गए सर। वेरी गुड। अभी अभी इस बार इस बैच में, 29 29 हुए सर। ओके, इस बैच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो गया होगा स्टैट में अच्छा खासा। यस सर। अभी तो नहीं बचाओगे ना कि सर और एक बार और नहीं करना ना। यस हाँ, तो अभी इस बैच में ऐसा कर लो कि एकदम डिटेलिंग करके। अब अभी मैं एक स्क्रीन टेस्ट लेने वाला हूँ, जो कि बहुत ही थोड़ा टफ रखूंगा। टफ इसलिए रखूंगा कि जो डिसाइड करे कि आप सच में स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लायक हो कि नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली ओवरऑल सबका रखने वाला हूँ स्क्रीन टेस्ट, तो इस लेवल का अपनी तैयारी करके रखो कि वो क्रैक कर सको, है ना? तो यस आप सर। अभी से थोड़ी सी तैयारी करना, मैं कल या परसों तक कोशिश करूंगा कि सिलेबस शेयर कर दूं, क्योंकि बिना सिलेबस शेयर किए लाइक इंटरव्यू लेना भी नाइंसाफी होगी, मतलब वो टेस्ट लेना भी नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं सिलेबस कल तुम लोग को भी शेयर करूंगा, यूट्यूब पे भी लोगों को शेयर करूंगा। डेफिनेटली तुम लोग का अलग से ग्रुप रहेगा गुरुकुल का, लेकिन क्या बोलते हैं, टेस्ट सबका सेम रहेगा, सो दैट कि हम देखेंगे कि आप कितना कम्पिटीट कर रहे हो सबके बीच में, है ना? यस चलो सर, फिर हाँ एक बोलो। और प्रोजेक्ट था सर, वो 35 35 बाई 54 का सर, हाँ
उसमें सर वो किचन में सर वो डोर नहीं है, ये उसमें कोई किचन में डोर नहीं है। दिक्कत क्या है? अच्छा, नहीं तो ये जैसे कि कोई अगर किसी को किचन में जाना हो तो फिर वो कैसे जाएगा ये? अब आज के टाइम में सब ओपन किचन करने लगे ना, हो सकता है जी उससे ज्यादा प्लानिंग हो। अभी क्या हो गया, अभी जो क्या बोलते हैं अपन, कैसे अपन तो मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, जी तो अपने लोग के घर में तो किचन में दरवाजा होता है तो बिल्ली न चली यस जाए, सर, ठीक है यस भाई, सर, ठीक है। और बड़े लोगों के घरों में क्या होता है, वहाँ पर किचन लोग ओपन रखते हैं, ठीक है, उनका ड्राइंग रूम और किचन दिखना रहना चाहिए। और वो किचन को भी कैसे कि इतना ज़्यादा, सीधी सीधी बात है कि हम लोग यहाँ पर किचन में ज़्यादा फोकस गैस पर होता है, गैस रखी रहनी चाहिए बस। उन लोग यहाँ क्या होता है, किचन में भी इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, तो इतना पैसा खर्च किया अगर दरवाजा बंद कर देंगे तो दुनिया को कैसे दिखाएंगे, और दिखाने के लिए तो इंसान जीता है, ठीक है। और मज़े की बात, जी चलो इसी से याद आया एक मज़े की बात है कि अपना एक स्टूडेंट है, दो लोग हैं, बहुत अच्छा है, वो इंटीरियर का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं सर, बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं EMI पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना है, तो मुझे हंसी भी आई है, बोले कि सर कोई कॉन्टेक्ट में हो, तो मैंने बताया एक लड़के का नंबर, वो भाई इसमें काम करता था SBI में। तो अब ये देखो कि लोग EMI पर क्या बोलते हैं अपना इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ ये अच्छा है या नहीं, कमेंट करके सभी लोग बताओ EMI पर क्या बोलते हैं क्या इस तरीके की चीजें करना कैसा रहेगा, ठीक है, तुमको क्या लगता है आलम, मुझे सर अच्छा सभी लोग ई एम बताओ, आई सर सही नहीं है ई एम आई पर। सही नहीं है, क्यों क्यों बताओ रीजन, ठीक ठीक है, इसमें सर वो है ना कि जैसे कि पैसा जो है वो तोड़ तोड़ कर आएगा सर, एक मतलब एक बार में नहीं मिलेगा इसलिए। ये एक सबसे क्या बोलते हैं इंजीनियर के लिए अच्छा है, हमारा प्रॉफिट काम ओके करने के लिए, ठीक है, हमारे लिए भले अच्छा, बट क्लाइंट के रिस्पेक्टिव से ये अच्छा नहीं है। इंटीरियर डिजाइनिंग आप क्यों कराते हो बताओ, मैक्सिमम इंसान इंटीरियर डिजाइनिंग शो ऑफ के लिए करवाता है कि नहीं, जी मैक्सिमम यस इंसान जो इंटीरियर डिजाइनिंग करवाता है वो शो ऑफ के लिए कराता है। तो अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग को एफोर्ड कर सके, तो आई थिंक यू आर नॉट द राइट पर्सन टू गो फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग्स, ठीक है, हमने नहीं करवाया है, ठीक है, क्योंकि हमको करवाने को हम करवा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जितना आप नॉर्मल इंसान बन के रह सकते हो सबसे अच्छा चीज़ होता है। फिलहाल क्या बोलते हैं, इससे याद आया कि आप लोग से मैं यही कहूँगा, कभी भी लाइफ में कोशिश करना कि आपके ऊपर कोई EMI का बर्डन ना आए, ठीक है, ये हमेशा याद रखो, आज हम लोग को नॉर्मल टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है आलम, कोई और दिक्कत है, नो सर, और कोई दिक्कत नहीं, यही कॉलम ही का चलो वो प्रॉब्लम बच्चे आ रहा को, था सर। ओके ठीक है, यस ठीक है, मैं आप लोगों को मैं अपनी हैबिट बताता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको फॉलो ही करो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आज तक मैंने कभी भी EMI को प्रिफ्रेंस नहीं दिया है, इवन कह सकते हो मैंने कभी EMI नहीं किया हुआ है, ठीक है, एक बार गलती से मैंने EMI किया हुआ था, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, एंड विदाउट मोबाइल फ़ोन मेरे लिए कभी वो पॉसिबल ही नहीं था, मेरा सारा काम ही रुक जाता मोबाइल फ़ोन के बिना, और वो भी चाहिए था एंड्रॉयड मोबाइल, तो माई सैलरी वॉज वेरी लेस एट द टाइम, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे आप ले लो, और मैंने ले, दोस्ती था तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड पे ले तो लिया, बट जब मेरे सैलरी में से वो पैसे कटने लगे तो मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर उस महीने मुझे उस तरीके से मैनेज करनी पड़ती चीज़ों को, और तब थोड़ा सा कंडीशन कैसे होता है, स्टार्टिंग में जब आप जॉब करते हो ना तो ऐसे ही रहता है, जब आपकी 12-15 हज़ार सैलरी हो तो एडजस्ट करना, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, इसीलिए कभी कभी लड़के बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मैं समझता हूँ सबकी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी तो उसी दौर से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने शायद वो मेरा लाइफ का लास्ट EMI था, ठीक है, उसके बाद मैंने कभी भी EMI नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे है, इसका मतलब ये है कि मैं चीज़ों के लिए इंतजार करना सीख गया, ठीक है, बहुत से लोगों ने बोला कि आप ये चीज़ को लोगे तो EMI पे ले लो, जैसे कि बाइक है, कार है, घर है, तरह तरह की चीज़ें हैं, यानी लोग का घर तो लेते हैं, मैं जान समझ सकता हूँ, पर मैं भी उसमें तो उससे भी अवॉइड करता हूँ, लग्जरी की जितनी भी चीज़ें हैं ठीक है उनको कभी भी EMI पर मत लेना, ठीक है, और इसको मैंने सीखा, तो उसके बाद से मैंने जितने भी चीज़ें लिए हैं, चाहे जितने फ़ोन लिए हैं, अब तक मैंने कितने फ़ोन लिए होंगे, कम से कम मैंने लगभग 18 या 20 फ़ोन लिए होंगे, मैं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ तो जितने लोगों की नीड होती है लगभग सबको मैं ही गिफ्ट करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी फ़ोन को EMI नहीं लिया, कभी कोई क्या बोलते हैं बाइक कार EMI पर नहीं लिया, क्यों, क्योंकि
क्योंकि उससे मेरी हैबिट खराब हो जाएगी। तो मैं उस लड़के का सुना तो मुझे बड़ा अकड़ लगा कि यार लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपना ड्राइंग रूम अच्छा दिखाने के लिए ईएमआई कर ले रहे। तो मतलब सीधी सीधी बात, ईएमआई नहीं, एक्चुअली इसको बोलते हैं लोन, लोन मतलब कर्जा। ठीक है, तो कर्जा इतना क्या लेना कि लोगों को दिखाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़े। ठीक है, आपके पास एक शर्ट नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि शर्ट को ईएमआई भी ले लोगे, पुराना शर्ट से काम चला लो यार। ठीक है, तो कभी भी कोशिश करना, कोई भी आपको बोले कि ईएमआई पर ये चीज़ कर लो। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ईएमआई, बट ये बहुत गंदी आदत है कर्जा लेना। ग्रोथ आपका हमेशा से रुका रहेगा। ठीक है, व्हेन आई वाज इन स्टडी तो मेरे घर वालों की मजबूरी थी, लाइक आई बिलोंग फ्रॉम वेरी वेरी मिडिल, लाइक मिडिल क्लास कह सकते हो, मिडिल भी नहीं बोलो, मिडिल वाले श्रेणी में नहीं आते थे हम। माई फादर वॉज ऑटो ड्राइवर, सो यू कैन जस्ट बिलीव कि माई अर्निंग फॉर अ डे इज जस्ट 300 to 400। तो अभी 300 to 400 में इंजीनियरिंग कॉलेज को सर्वाइव करना, यू कैन अंडरस्टैंड कितना हो गया हम लोग, वी आर थ्री वेदर्स। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि इस नहीं कि कोई स्टोरी सुनाना कोई उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है कि उस चीज़ को जब मैंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद जब उसको मुझे भरना पड़ा उन सारे पैसे को, आई रियलाइज एंड आई लर्न अ लॉट कि कभी भी, ठीक है, क्योंकि उससे मेरा 2 साल 1.5 साल ग्रोथ भी रुका, कभी भी कोशिश करना चाहिए कि ईएमआई या फिर लोन पे न जाए, तब तक कि जब तक कि हमारी कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि यार जीना है। ठीक है, जीने की नौबत ना खराब हो तब तक हमें कभी भी इस चीज़ से अवॉइड करना। जो लोग भी एग्री करेंगे कमेंट करके जरूर बताना। मैं ये सीखा हूँ कि ईएमआई नहीं लेना है, खास तौर से अपने लग्जरी के लिए। मैं समझ सकता हूँ किसी को एजुकेशन है, सीधी सीधी बात है, मेरे घर में पैसा नहीं था मैंने लिया, ठीक है, और लेकिन एजुकेशन एक अलग चीज़ है। बट इफ़ यू से कि क्या बोलते हैं, मुझे एक मोबाइल फ़ोन लेना है, एक और मोबाइल फ़ोन लेना है, आईफोन लेना है, तो आईफोन का इतना ट्रेंड है, मैंने आईफोन अभी लिया, और आपको पता है मैं आईफोन से करता क्या हूँ। ठीक है, आईफोन से सिर्फ और सिर्फ आपके चैट पढ़ता हूँ, आज तक मैंने इसका कोई दूसरा यूज किया ही नहीं। ठीक है, सिर्फ चैट पढ़ता हूँ, और मुझे लेना क्यों पड़ा, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे, सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, चैट पढ़ता हूँ, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं है इसका। इवन इसमें जो सिम डाला वो रिचार्ज भी नहीं है उसका, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मैं ज़्यादातर अपना काम जो है अपने सैमसंग मोबाइल से करता हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ सर, ये ईएमआई का तो बहुत मुश्किल है सर। आप अगर अब जो प्रोजेक्ट अगर आप लेते तो सर एडवांस कुछ लेते क्या, पेमेंट नहीं हमेशा पूरा, हमेशा वो बताइए ना सर, उसके ठीक बारे में बताइए, मतलब ठीक। हम कोटेशन क्योंकि देते मैं हैं, बनकर माइक हम कोटेशन जी। देते, ओके ठीक है, मतलब ठीक, हम कोटेशन देते हैं कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए। पहले हमें ब्रांडेड रूप से चलना पड़ता है, और कोटेशन देने के लिए क्या बोलते, पहले कोटेशन देने के लिए मैं कोटेशन लिख लेता हूँ। उसके बाद 20% मेरा रूल है, कुछ लोग 40% लेते हैं, कुछ लोग 30%, कुछ लोग 10% भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। पर मेरे साथ ऐसा कई बार हो गया कि मैंने लिंक्डइन से काम उठाया, ठीक है, फ्रॉड हो गया मेरे साथ एक तरीके से बोलो तो, फ्रॉड बोलो या लर्निंग बोलो जो भी बोल सकते हो। तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किए अपने जॉब के टाइम पे, समय निकाल निकाल के प्रोजेक्ट किया। ठीक है, मैं एक जॉब फुल टाइम करता था, एक जॉब पार्ट टाइम करता था, उसके बाद भी टाइम निकाल के मैंने प्रोजेक्ट किया। तो 2 3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि उन लोगों ने बोला कि इतने बाय इतने का प्रोजेक्ट चाहिए, आप कौन करके देना चाहेगा। तो हमने डिस्कस किया, काम ले लिया, किया भी, और उसके बाद सामने वाला बोलता है कि पसंद नहीं आया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, मैं सोचा कि मैं सीख रहा हूँ, शायद मुझे ही मेरे अंदर गलती है। मैंने तीन तीन तरह के प्लान बना बना के एलिवेशन सेक्शन के साथ उस सामने वाले को सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, उसने फिर भी बोला कि मैंने मुझे पसंद नहीं आया। मैं थोड़ा परेशान हो गया, मेरा जो मैनेजर था, मेरा दोस्त ही था वो, तो मैंने उसको डिस्कस किया, मैंने कहा यार इसको मैंने तीन तीन प्लान करके दे दिए, ठीक है, और क्या बोलते बोलते कि तुम ऑफिस के बाद ऐसे क्यों करते हो। दोस्त ही जैसा था वो, तो कॉर्पोरेट किया, तो वो बोला कि ऐसे नहीं करते, पहली बात तो तुमने गलत किया, ऑफिस के अलावा किया, पर ठीक है चलो तुमको हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अगर तुमने किया तो पहले हमेशा एडवांस पेमेंट लो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो क्या, तो बोला कि हाँ मैं तो करता हूँ। तो उसने पूरा अपना बताया कि मैं हम लोग ऐसे ऐसे पेमेंट करते हैं। तब से 20% विदाउट लिए मैं कभी भी प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, और साइट विजिट के लिए मैं पहले एडवांस पेमेंट लेता हूँ तभी साइट विजिट करता हूँ, अदरवाइज साइट विजिट हम नहीं करते कभी भी। जब तक आप सामने वाले को ना, एक चीज़ याद रखना जी, जब आप सपोज अभी अभी क्या बोलते, मैं पीछे गया था उसमें क्या बोलते, कौन सा शोरूम होता है, जॉकी का, ठीक है, मुझे वो ट्रैक पैंट लेना था जॉगिंग करने के लिए, और ट्रैक सूट जो होता है, तो हम गए वहाँ पे, तो उसका काफ़ी कॉस्टली का होता है, आप सबको बताइए जॉकी वगैरह क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ कुछ डिस्काउंट है क्या, तो मैं मस्ती में ये बोल रहा था। तो बोला कि सर वो डिस्काउंट वाला इधर कुछ रहता ही नहीं है। तो हमने मुझे तो पता था डिस्काउंट नहीं होता उसमें।
तो हमने ये देखा कि हम लोग जॉकी के शोरूम पे, रीबॉक के शोरूम पे जब जाते हैं तो हम कभी भी उनसे डिस्काउंट की बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप का जो ब्रांड वैल्यू बना रखा है उस लेवल पे बना रखा है कि हम वहाँ पर डिस्काउंट के लिए बोलते ही नहीं है, ठीक है? वो तो मैं मस्ती अलग बात है। तो ऐसा हमें खुद को बनाना पड़ेगा एज अ इंजीनियर कि हमारा जो ब्रांड हो ऐसा इस्टेब्लिश हो, ठीक है? आज के टाइम में मेरे से जो भी प्रोजेक्ट करवाता है बिलीव नहीं करेंगे, चाहे जो हो, ठीक है, सभी लोग पेमेंट करते हैं क्योंकि दे नो, ठीक है? 2 दिन मेरे रिलेशन भी खराब हुए इस चक्कर में, ठीक है? एक मेरा कॉलेज दोस्त था, क्लासमेट था एक्चुअली, तो वो क्या बोलते हैं, मुझे बोलता है कि भाई इतने 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 का प्लान है और एक बना के भेज दो। तो मैंने कहा भेज देंगे यार। फिर 2 दिन उसने फ़ोन किया, मैंने कहा तो हमारा एडवांस तो आया ही नहीं। तो बोलता मेरे से पैसे लोगे? मैं कहा आप कौन से यार, मेरा तो रोजी रोटी है। तो मेरा बड़ा वो खिलाफ किया, वो जाके क्या बोलते हैं कॉलेज वाले ग्रुप में भी बोला कि मैं भी उस ग्रुप में हूँ, ये मेरे से पैसे मांग रहा है, ये मांग रहा है। मैंने कहा यार देखो तुम मेरे से कम पेमेंट करवा लो, ठीक है? एक लड़का है तो बहुत अच्छा दोस्त है मोहित सिंह करके, तो उसका मैंने एक प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में करके दे दिया, ठीक है? उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट था लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये, 500 रुपये में करके दे दिया। और बात ये थी कि उसने बोला कि आप मेरे से पैसे लोगे, मैंने कहा यार ये मेरा रोजी रोटी है, तो आई कांट गिव यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड वाली कैटेगरी का है। मैंने कहा तुम बेस्ट फ्रेंड वाली कैटेगरी के हो, इसलिए फॉर यू व्हाट एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट पे, बट विदाउट पे मैं नहीं करूँगा। तो उसको लगा कि ये अपने धंधे के लिए बहुत फिक्स है, धंधा इसको बोले चाहे जो बोले, मेरा पेट है भाई, हमको पालना है। तो उसने मुझे 500 दिया, आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे अपने रूल को नहीं तोड़ना था, समझ गया जी? तो ऑलवेज रिमेंबर कि मुझे 20% तो मिनिमम लेके ही काम स्टार्ट करना है। अच्छा 20% ले लोगे तो एक चीज और अच्छा होगा, सामने वाले के माइंड में ये फिक्स हो जाएगा कि साय अब मैंने पैसे दे दिए हैं, अब वो 20% तो मेरे चले गए, तो अब सामने वाले से ही हमें सब कुछ काम करके लेना है। और हो सकता है थोड़ी एडिटिंग बताएगा हम करेंगे, आप पूरी क्वालिटी दो, क्वालिटी इस हद तक दो कि वो बोले दूसरे को कि अगर प्लान बनवाना है तो अजीम से ही बनवाना, ठीक है? इस लेवल तक क्वालिटी नहीं आ रही तो हमारी गलती है, लेकिन 20% एडवांस लेने के बाद ही हमेशा करना, ये मैं हमेशा रूल फॉलो करता हूँ, ठीक है जी? अदरवाइज लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हाँ सर, ठीक है, ठीक थैंक है? हाँ, इससे इससे क्या होगा कि तुम्हें 10 काम नहीं मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे, 2 काम का लॉस ही सही, ठीक है? लेकिन वो 8 सही वाले मिलेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चले ओके, ठीक है? तो मैंने जब अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसा किया तो पहली बात तो सीधी सीधी बदनामी थोड़ी सी होती है, बदनामी क्या एक्चुअली जो सेंस वाले थे वो समझ गए कि क्या बोलते हैं, जब इसका काम ही यही है तो हम इससे कैसे ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि जाते वो आपके मैक्सिमम जो लड़के निकलते हैं डिग्री करने के बाद, मेरे ग्रुप में सिर्फ मैं ही एक हूँ जो डिज़ाइन इंडस्ट्री में हूँ, सबको पता है कि एक दो हैं जो एस्टिमेशन वगैरह में निकले हुए हैं, और बाकी सब साइट पे चले जाते हैं, और साइट वालों को जनरली प्लानिंग वगैरह नहीं आता है, तो सारे काम मेरे पास ही लेके आते, ठीक है? मैं उनको बोलता हूँ कि तुम भी मुझसे लो, ठीक है? क्योंकि मेरा एक रूल है कि जो भी मेरे को प्रोजेक्ट करके देता है, तो जो मेरे को फाइनल प्रोजेक्ट हो जाता है, सपोज कि अजीम ने प्रोजेक्ट दिया कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है आप हैंडल करिए, मैं पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करूंगा, ठीक है? जैसे प्रोजेक्ट का कंप्लीट कॉस्ट मेरे पास आ जाता है, वैसे ही अजीम को हमारे तरफ से 20% का गिफ्ट होता है, ये मेरा रूल है हमेशा के लिए। इससे बेनिफिट होता है, मेरे जितने दोस्त हैं, दोस्तों को 30% भी कर देता हूँ, ठीक है? जितने दोस्त हैं उनके पास कोई भी काम आता है, सीधे सीधे किसी न किसी को उनको रिफ़र करना है, बट रिफ़र करने से अच्छा वो हमको रिफ़र करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 20% इसके पास आना फिक्स है, क्योंकि मैं जो जवान दे दिया तो दे दिया। तो ये एक चीज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में, सभी लोगों को ये चीज़ याद रखो कि आप रेफरल इनकम को समझो, इससे बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है। सीधी सीधी बात है कि अभी आज के टाइम में लोगों से लोग कुछ भी पूछते हैं ना, तो उनको वहीं से होता है जहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट हो उनको, तो उनको प्रॉफिट होता है उस चीज़ से कि चलो यार क्या बोलते हैं 10 हज़ार का प्रोजेक्ट है। अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने लोनावला में एक फार्म हाउस मैंने डिजाइन करके दिया, तो उसमें मुझे मिला था 20,000, मेरे दोस्त को फ्री का 4,000 मिल गया, ठीक है? 20,000 दे दो, मतलब कि 4,000 उसको मैंने दे दिया, उसका भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया। तो इस चीज़ को याद रखो कि रेफरल इनकम देनी चाहिए। दूसरी चीज़, विदाउट टेकिंग द एडवांस मनी डोंट स्टार्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज क्या होगा, जनरली लोग आपको समझ जाएंगे यार इतना खाली है कि इसने करके दे दिया, और फिर वो बस बार्गेनिंग करके, या फिर हो सकता है पैसे ही ना दे, डिज़ाइन आपको बोल देंगे कि नहीं पसंद आया, बाद में वही डिज़ाइन बनवा लेंगे वो, ऐसा भी लोग करते हैं, ठीक है? चलो, और आलम का हो गया भाई, आलम का सही चल रहा है, ठीक है? मुजबुद्दीन तुम्हारा कैसा चल रहा है अभी, तुम्हारा लेक्चर भी पीछे चल रहे हो ना मुजबुद्दीन? हेलो, यस सर, हाँ मुजबुद्दीन तुम्हारा पीछे चल रहा है हेलो, लेक्चर, यस कितना लेक्चर पीछे चल जी रहे हो? सर, कितना
कितना अब 18 तक हो गया। 18 तक हुआ है, काफी पीछे चल रहे हो। ठीक है, कोशिश करो कि थोड़ा फास्ट करो मुझे दिन, है ना, नहीं तो फिर कैसे होगा, ओके सर। रेस में मजा नहीं आएगा। और तुम क्या जॉब करते हो क्या? नहीं सर, वो रिपोर्टिंग के लिए अब ये चल रहा है सर, एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है अब, उसी लिए बैंगलोर, हमारा कल बैंगलोर जाना है सर, रिपोर्टिंग बोले तो तो पेपर वगैरह हो वो रहा है क्या, एमटेक कर रहे हो? हाँ जी, पूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके एडमिशन कराने का प्रोसेस चल रहा है सर, एमटेक अच्छा, का। वो तुम्हारे जो चल रहा था एमटेक वाला, फाइनल जी सर, हो गया अभी करने का? हाँ जी सर, पूरे ओके ठीक है, है सर, अब रामैया कॉलेज जाके एडमिशन कराना है सर ट्यूसडे चलेगा ठीक के है, दिन। ओके ठीक है, कर लो फिर ओके उसके बाद सर, करो फर्श, ठीक है चलेगा। यस सर। ओके हाँ आतिश, मैं इसीलिए आज इसे लॉगिन आया हूँ कि मैं क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। जस्ट एक बार सबसे कंफर्म कर लूँ कौन कितने पे चल रहा है, कितना और उनको वर्क करना पड़ेगा। वैभव अपना माइक ऑन करना। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वैभव। वैभव कितने लेक्चर तुम्हारे हो गए अब तक में? 30 हो गए सर। 30 लेक्चर हो गए, ओके। और तब तो मतलब अच्छा ही चल रहा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट ही हो गया लगभग। यस सर, लेकिन सर एक फाउंडेशन में डाउट था मुझे। हाँ बोलो ना। आपने बोला था फाउंडेशन का डायमेंशन हम सेट करेंगे, ज्यादा ओवरलैप ना हो उसके लिए, एक करेक्ट, बार करके दिखाइए तो सर। चलेगा मैं करके दिखा देता हूँ। वो तो समझ आ गया ना कि एरिया कम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन कैसे करना एक बार बता दीजिए। चलेगा चलेगा ठीक है मैं बता देता हूँ। चलो मतलब वैभव को सिर्फ और सिर्फ एक ही डाउट है, बाकी सब तो इनका सही है। वैसे तो अभी मेरी पूरा एनफोर्समेंट डिटेलिंग ही पूरा पढ़ने वाले हैं, बट ठीक है आपको मैं वो बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट वैभव का हो गया, वैभव का अच्छा चल रहा है। शशांक तुम्हारा कैसे चल रहा है, माइक ऑन करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आ गए तुम जॉब से? हाँ सर, आ गए। 28 में है सर अभी लेक्चर नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुमने अभी अभी तुम सही से स्पीड पकड़े हो। और लेक्चर प्रोजेक्ट सारे हो हाँ गए सर, क्या? ये प्रोजेक्ट भी नहीं सर, प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ, QTR, आशीष हॉस्टल और हाँ साउथ का डब्बा। फास्ट करो, क्योंकि तुमको कैसे, अभी तुमको खुद बताना तुम्हारी करंट कंडीशन कैसी है, इस कंडीशन में तुम अपनी लाइफ स्टाइल तुम्हारी कैसी हो गई है तुम्हें खुद अच्छे से पता है। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम जहाँ पर हो अब मुझे तो अच्छे से पता है वहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है नया, है ना, नहीं सर, कोई तो जॉब वहाँ पर नहीं। ना कोई स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, तुम्हें नोएडा या फिर दिल्ली की साइड निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ इसलिए सर, जाए कोशिश करो कि नोएडा या दिल्ली पर, दिल्ली में क्या बोलते हैं अपने आप को स्विच करने की कोशिश करो, और कम से कम 10 बजे तो कंप्लीट ही करो स्टैट प्रो में, है ना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो जॉब है इसमें वर्क टाइम निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं करोगे तो फिर मजबूरी हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ सर, साइट पे ग्रोथ नहीं है कुछ, साइट पर कोई लोग ग्रोथ नहीं यहाँ है, पे सर 11 11 साल का लोग का एक्सपीरियंस है, 25,000 भी नहीं कमा पा रहे लोग। बहुत होगा 11 साल का एक्सपीरियंस में, मैंने देखा है 40 45 हज़ार, इसके ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना हम उस भीड़ से बाहर आ जाएं, सबसे बड़ी समझदारी तो ये रहेगी ना, उस भीड़ से बाहर आ जाते हैं और क्या बोलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे चलो जहाँ पर, एक तो सीधी सीधी बात है, एक तो मैं स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट मर गए ना, तो साइड बाय साइड तुम इनकम भी जनरेट कर सकते हो फ्यूचर के लिए। जैसे कि तुम एक जगह जॉब भी कर रहे हो, एक जगह से तुम प्रोजेक्ट भी करके दे रहे हो, दोनों जगह से इनकम तुम्हारी हो रही है। अब साइड में ये चीज़ थोड़ी हो सकता है कि तुम दूसरे की साइड संभालो और अपने कंपनी का भी साइड संभालो, है ना। तो नहीं इस चीज़ को थोड़ा सा अपग्रेड करो, जिससे कि जो तुम्हारा एम है वो एम तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। एम तुम्हारा सीधे सीधे है कि भाई स्ट्रक्चर्स मूव करना है, पास हो, क्योंकि तुमने 28 लेक्चर कर लिए हैं तो मतलब ठीक ही ठाक चल रहे हो, प्रोजेक्ट कर डालो, है ना, जिससे पोर्टफोलियो रेडी हो जाए। चलो ओके, सरोज अपना माइक ऑन करना। सरोज सर, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुमने मुझे इंस्टा उस पे क्या बोलते हैं टैग किया था ना कुछ ऐसे रिव्यू वगैरह क्या डालने के लिए उस पे, हाँ, सही किया था लिंक्डइन मैंने, पे। मुझे आता नहीं है एक्चुअली, सच बताओ अच्छा तो। क्या बोलते हैं, मैं अपने सोशल मीडिया से बहुत खराब इंसान हूँ, मतलब मुझे सोशल मीडिया ज्यादा नहीं आता, तो मैंने कहा यार क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन लिखा था उसमें हाँ, रिकमेंडेशन है तो। सर। नहीं मतलब कोई अगर कोई कंपनी वगैरह अप्रोच करती है ना, हाँ तो अगर वो मतलब रिकमेंडेशन अगर वगैरह, मतलब ये एक टाइप से ये रेफरेंस है। ओके, हाँ तो मैंने जो किया था सही किया था ना, हाँ हाँ सही है सर। ठीक है। फिर मैंने देखा, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैंने एक पर्सन हायर किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, तो मैं देखा तो उसमें दो तीन लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन के लिए डाला था, तो मैंने कहा यार मैंने तो कभी किया नहीं, तो फिर मैंने तुम्हारा किया तो मैंने सबका कर डाला, थैंक यू सर। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने सबका भला हो गया। और वैसे रहना चाहिए लिंक्डइन पे एक्टिवेट, ठीक है, लिंक्डइन पे एक्टिव रहने के बड़े बेनिफिट्स हैं, मतलब कह सकते हो सर, कॉन्टेक्ट्स नहीं को। काफी अप्रोचेज आते हैं सर, जैसे
स्ट्रक्चर वगैरह के भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन है कि अभी उतने हैंड फ्री नहीं ना है इस पे, तो फिर कुछ बोल नहीं सकते उन लोग को भी। आज भी एक कॉल आया था ये बेस, हाँ बेस करके जो उत्तराखंड की एक कंपनी है सर, वो भी स्ट्रक्चर की बेस है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें से कोई एक सर है, क्या नाम याद नहीं आ रहा, वो 7 बजे मेरे को कॉल करने बोले, तो फिर हम 7 बजे कॉल कर नहीं पाए, कल मॉर्निंग करते उनका मैसेज कर दिया। हाँ उनको करना, वो मैं जानता हूँ उनको, सर को भी जानता हूँ, और अपना एक बच्चा है वो अब सेक्सिंग करके, ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट था और हाँ, उत्तराखंड में है ना, ठीक हाँ, है, उत्तराखंड। इवन वो उसको ऑटो कैड रेविड आता था, लेकिन उन्होंने बोला था हम ट्रेनिंग भी दे देंगे, ऐसा तो कोई बोला होगा शायद, बस सेलेक्ट हो जाओगे उसका सब बोलेंगे, ठीक है, तो नहीं उन्होंने मुझे ये कहा था रिज्यूम भेजने वाला था, रिज्यूम तो भेज दिया था, फिर बोले थे कि पोर्टफोलियो, तो बोले थे सर अभी पोर्टफोलियो तो बना नहीं है, तो मैं पोर्टफोलियो बना के भेज दूंगा आपको। आप देखो सभी लोग ध्यान से देखो, पोर्टफोलियो मांगा सामने वाले ने, तो ये एग्जांपल है कि पोर्टफोलियो का बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, और तो इसे यही आइडिया लगा कि पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा ना। यस सर, ठीक है, कितने लेक्चर कर लिए तुमने कंप्लीट? सारे कर लिए सर, अभी फिर से रिवीजन चल रही है, क्योंकि वो तो मैंने पहले किए हुए थे। ठीक है, फास्ट करो, अभी आज से पोर्टफोलियो पर लगना है, मैं अभी जस्ट बताने चल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, जिससे कि नेक्स्ट वीक तक हमारा पोर्टफोलियो जिससे जैसे डिटेलिंग होती जाएगी, कंप्लीट करते जाओ, नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोग पोर्टफोलियो सबमिट करोगे, ठीक है, मंडे को दिखाओगे, इस मंडे को दिखाना है कि हमने नाम लिख लिया, एक प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, कंटेंट लिख दिया, इस फ्राइडे को बस इतना दिखा दो, मतलब मंडे को, और जो फ्राइडे आएगा फ्राइडे को पूरा कंप्लीट कर दो स्ट्रेट पोर्टल, ठीक है। ओके सर, चलो बढ़िया, इसका अच्छा चल रहा है सरोज का भी, और अभी बचा हुआ है मोनिका का। मोनिका तो अपना माइक ऑन करना, इंस्टॉल हुआ क्या तुम्हारा आरसीडीसी? हेलो, हाँ मोनिका, आरसीडीसी इंस्टॉल हुआ? नो सर, नहीं हुआ, कल सरोज ने भी कोशिश किया था तो। अच्छा, फटाफट स्क्रीन से क्या बोलते लैपटॉप से आ जाओ और स्क्रीन शेयर करो मुझे तो पहले, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा लेक्चर तो हो गया सर, लैपटॉप पे होगा तुम लोग? हां यस सर। ओके, स्क्रीन शेयर करो, आतिश सीखो इसमें, तुम भी अपना करने, आतिश तुम भी अपने लैपटॉप से आ जाओ। यस सर, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो क्योंकि सबका करना पॉसिबल नहीं है, एक लोग का तो हो सकता है। चलो आरसीडीसी ओपन करो। यस सर, मैं तुम्हारा माइक बंद कर रहा हूँ क्योंकि क्या तुम्हारे पता से ब्लर, हाँ इसके मोबाइल से ब्लर ब्लर करके आवाज आती है। हाँ, सेटअप पे जाना, अभी सेटअप इंस्टॉल नहीं होगा जहाँ तक है, तो डायरेक्ट सेटअप पे चले जाओ जहाँ पर रखा हुआ सेटअप। इंस्टॉल हुआ है क्या? ओके, ऊपर वाले सेटअप पे जाओ, हाँ क्लिक करो उसके पर, हाँ क्लिक करो, नीचे वाले फाइल को खोलो, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सप्ले एक्सट्रेक्ट कर दो। हाँ, सभी लोग ध्यान से देखें सो देट कि उसके से सबका हो जाए, ठीक है, ओके कर दो। गूगल खोलो भी, गूगल इसको बंद कर दो, ये वाला टैब बंद कर दो, आरसीडीसी खुला रहने दो, ठीक है, गूगल खोलो, इसको खुला रहने दो, गूगल पे जाओ, क्रोम पे, वहाँ से डाउनलोड करो 7zip, अभी यहाँ पे जाओ, क्रोम पे जाओ, क्रोम पे, नया टैब खोलो, डालो यहाँ पर 7zip, 7zip, आ गया ना 7zip यहाँ पर फटाफट। हाँ यस, क्लिक करो, अब पहले वाले क्लिक कर दो इस पर, हाँ ये सब सुपर वाला जो है 64 bit, हाँ इस पर क्लिक कर दो, सेटअप पे डबल क्लिक कर दो फटाफट, इंस्टॉल, क्लोज, अब मिनिमाइज करो स्क्रीन को, अब जाओ जहाँ आरसीडीसी है वहाँ जाओ, इस पर राइट क्लिक करो, 7zip देखो आ गया होगा, हाँ जाओ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू आरसीडीसी लिखा है ना, हाँ इस, हाँ इस पर क्लिक करो, पासवर्ड डालो ए कैपिटल आकाश पांडे ब्लॉग, ए के ए एस एच पी ए एन डी ई वाई, ए के ए एस एच ए कैपिटल रहेगा, हाँ ऐसा करो, ए के ए एस एच ए कैपिटल रहेगा, कैप्स लॉक करें, हाँ के ए के डालो, ए के ए एस एच, हाँ
पांडे, PANDEY। VLOG। ओके आतिश भेजता हूँ। हाँ VLOG, LLLOG, VLOG। स्पेलिंग रॉन्ग है सर, PANDEY हो। हाँ PANDEY करो। PANDEY, थैंक यू। PANDEY। ओके करो। सर ये विंडार से क्यों नहीं हो रहा था सर? पासवर्ड गलत है इसका। क्या होता है कुछ कुछ लैपटॉप में विंडार सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। पासवर्ड ठीक से डालो, फिर से क्लोज करो। पासवर्ड में सर ई नहीं डाले थे। ई नहीं डाला था, देख लो। 7 जू, कभी भी कोई फाइल अगर विंडार से एक्सट्रैक्ट ना हो तो ऐसा कर लेना चाहिए। S2 all। चलो ठीक है, डाल दो। पासवर्ड सही से डालो। ए कैपिटल, AKASH। PANDEY। PANDEY। VLOG। हाँ अब ओके करो। S2 all। उसके बगल में देखो S2 all लिखा है ना। हाँ इसीलिए मैं आज क्या बोलते हैं गूगल मीट से आया, जिससे कि जिसको प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। अब इस पर फटाफट जाओ अपने सेटअप पे, ऊपर 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 सेटअप सबसे पहला वाला क्लिक करो। हाँ इसके अंदर जो फाइल है लास्ट वाली, हाँ इस पर क्लिक करो। नीचे वाली पे राइट क्लिक से, जैसे बोला वैसे ही करना है। कट करो पहले जो भी खुला है तुम्हारा। 7G पे जाके करना है। हाँ देखो इधर आ गया। हाँ इस पर क्लिक कर दो। क्लिक, बाकी लोग ऐसे ही सेम ट्राई करते रहे। हाँ अपने सेटअप पे जाओ पहले नंबर पे। हाँ सेटअप पे नीचे से सेकंड नंबर, नीचे से सेकंड, इस पर राइट क्लिक रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। राइट क्लिक रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करना। चलो चलो गया, कोई दिक्कत नहीं, चले दो। इंस्टॉल, हाँ इसको होने दो, तब तक मैं पोर्टफोलियो आप लोग के लिए तैयार कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ओके मैं ब्लॉक कर बता देता हूँ रे, हम डोंट वरी। इंस्टॉल, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, हाँ डाउनलोड दिस फीचर। कभी कोई फाइल नहीं रहती है तो आपको जैसे अभी डाउनलोड के लिए लगवा दिया ना, ऐसे इंटरनेट ऑन करके लगवा डाउनलोड कर लेना चाहिए। बट जब क्रैक करो तो इंटरनेट बंद रखना चाहिए बाय रूल। पर अभी जैसे मैं क्लास में तो नहीं इंटरनेट बंद कर सकता, ऑफ नहीं था क्या का, एंटीवायरस ऑफ कर लो। या नीचे देखो यहाँ पर लिखा है ना 21 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट, इस पर राइट क्लिक कर दो। हाँ इस पर क्लिक करके क्लिक करो एंटीवायरस के ऊपर, राइट क्लिक, राइट क्लिक। हाँ ठीक है खोलने दो। हाँ यहाँ पर, हाँ इस पर क्लिक कर दो। वायरस सेंटर प्रोटेक्शन ऑन नहीं करना है, क्लिक कर दो बस, क्लिक करो उसके ऊपर। हाँ क्लिक कर दो। हाँ इसमें देखो नीचे और मैनेज सेटिंग, मैनेज सेटिंग ऊपर देखो मैनेज सेटिंग लिखा है ना, ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग मैनेज सेटिंग लिखो, और नीचे और नीचे ये देखो सामने लिखा ऊपर 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 और ऊपर। यस यहाँ क्लिक करो, ऑफ है सारे, देख लो सारे सारे ऑफ है।
हाँ ठीक है, ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो, ये सब ऑफ रहने चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर क्रैक कर रहे हो तो। बाकी लोग भी ट्राई करते रहें, कोई दिक्कत आए तो तुरंत स्क्रीन शेयर कर लेंगे। ठीक, इसीलिए मैं आज गूगल मीट से आया था, उसका मेन उद्देश्य यही था। आतिश तुम भी ट्राई करो, ग्रुप में दे दिया है, या फिर चैट बॉक्स में दे दिया है सेटअप। तब तक देखो उसमें, अगर अच्छा होने दो, थोड़ा सा बचा हो जाने दो। अब अगर इंटरनेट आपका कनेक्ट नहीं रहता तो देखो ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल होने को नहीं रेडी होता। इसको थोड़ा साइड करना, स्क्रॉल करके थोड़ा साइड करना, क्या पता नीचे हो गया हो। नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पर क्लोज का ऑप्शन, साइड करके थोड़ा क्लोज करना, तो क्लोज नीचे नीचे क्लोज का, नीचे देखो क्लोज बना हुआ ना, सेटअप में देखो, सेटअप में देखो क्लोज ऊपर है। हाँ इसमें नहीं, हाँ ये, हाँ इसको साइड किए रहो, तब ये नीचे से क्लोज कर दो, नीचे देखो स्लोप, हाँ इसको क्लोज। अब फिर से अपने सेटअप पे फिर से इसको चलने दो, साइड बगल करके सेटअप पे फिर से राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर, ऊपर से थर्ड, ऊपर से थर्ड। हमेशा रन एस एडमिनिस्ट्रेटर से ही करना चाहिए। इंस्टॉल, एक्सेप्ट, इंस्टॉल, डाउनलोड। इसके में कुछ फाइलें मिसिंग है एक्चुअली। डॉट नेट ऊपर देखो, एक एडिशनल सेटिंग कर, देखो इसी सेटअप में देखो, सेटअप के ऊपर जस्ट ऊपर देखो एडिशनल सेटिंग, एडिशनल फाइल लिखी हुई है। हाँ इसको ओपन करना, ओपन करो इसको। अब इसमें देखो डॉट नेट की फाइल होगी एक, डॉट नेट सबसे ऊपर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। हाँ इस पर राइट क्लिक करना, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करो। इसके लैपटॉप में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि फाइलें मिसिंग है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो होता नहीं इतना प्रॉब्लम। डाउनलोड 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 कर दो, हाँ डाउनलोड दिस फीचर, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और इसके जस्ट नीचे वाली जो डॉट नेट की फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक इसका डॉट नेट आ जाएगा इसके लैपटॉप में। और समीर तुम्हारा हो रहा है क्या? ठीक है, बाकी हाँ सर मैं पासवर्ड डाला है अभी सर, जस्ट अभी कर रहा हूँ आगे। ओके ठीक है चलो, बाकी लोग अब अपना करते रहो, हो जाएगा, क्योंकि इसके में थोड़ा सा कुछ फाइलें मिसिंग है, ये मेन प्रॉब्लम है। हम सबको क्या करना है अभी, इसका चल रहा है तब तक हम लोग देखते हैं। ये जस्ट ऊपर वाली चीज एक बार हो जाएगी मोनिका, उसके जस्ट नीचे जो सेकंड नंबर की डॉट नेट है उसको करना, फिर आरसीडीसी करोगे ऑटोमेटिक होगा। अभी स्क्रीन चलने दो अपना, तब तक पहले मैं दिखा देता हूँ सबको। मंडे को ट्राई करना है पोर्टफोलियो बनाने का, क्या क्या ट्राई करना है, पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करना है। तो चलो दिखा देते हैं कैसे ट्राई बनाने का प्रयास करना है। देखो पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या करना है, आप लोग पोर्टफोलियो बनाना कैसे, मैं सैंपल्स पहले देख लो आप लोग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एचएससीवी है, एक पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा बेहतरीन सा, ठीक है। ये पोर्टफोलियो है राजू करके आपका सीनियर है, पर आप सबका जूनियर ही होगा क्योंकि ये फाइनल ईयर में भी है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो और प्लस बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता था ये। इसने देखो अपना पहला कंटेंट डाला G+4 अपार्टमेंट, और इस तरह से आपको G+4 अपार्टमेंट दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन। यहाँ से इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक अच्छा सेलिब्रेशन ऐड किया पहले। देखो अभी आप लोग एलिवेशन बनाए होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसको, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट का प्लान दिखाया, और उस प्रोजेक्ट का उसके बाद आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स दिखाया, मतलब आरसीसी में एक्चुअली ईडीएफ में हुआ है बट अप्रोक्सीम तो स्टैंड में भी रहेगा। और उसके बाद फिर उसके मटेरियल्स को डिफाइन किया
एग्जैक्टली हमने क्या क्या लिया है, उसके क्या क्या फाइल के साइज लिए, जैसे मटेरियल M25 लिया है बीम कॉलम स्लैब के लिए, ठीक है, कॉलम साइज लिया हुआ है, ठीक है, स्लैब थिकनेस लिया हुआ है, बीम साइज लिया हुआ है, वॉल लोड लिया हुआ है, ये सब यहाँ पर डिफाइन कर दिया, वॉल थिकनेस डिफाइन कर दिया, और उसके बाद ब्रिक का लोड वगैरह। अब जैसे इसने स्टेड ई टाइप का दिखाया वैसे आपको स्टेड का दिखा देना है, लोड वगैरह दिखा दिया, लोड पैटर्न दिखा दिया, और उसके बाद एक्सियल लोड बेंडिंग लोड यहाँ पर दिखा दिया, सारा जो रिजल्ट आता है आपका सीयर का टॉर्जन का एक्सियल और बेंडिंग का ये दिखा दिया। उसके बाद उस फाइल का जो आरसीडीसी डिटेलिंग होती है कॉलम की, एक सेटअप, सारे नहीं दिखाने, सारे दिखाओगे तो क्या होगा, भर जाएगा उसी से, केवल मेन मेन चीज़ें आपको पोर्टफोलियो में करनी पड़ती है, ये दिखा दिया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं कॉलम डिज़ाइन दिखा दिया, कॉलम डिज़ाइन दिखाने के बाद यहाँ पर कॉलम लेआउट दिखा दिया, कॉलम लेआउट के बाद यहाँ पर फुटिंग प्लान लेआउट दिखा दिया, फिर स्ट्रक्शन दिखा दिया, फिर इसके बाद स्टेयरकेस दिखा दिया, और फिर इसे फुटिंग दिखा दिया। देखो एक ही प्रोजेक्ट को कितना डिफाइन किया, इसका फाइनल भी पोर्टफोलियो नहीं है, जब बना रहा था तब का है ये, तो उस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो दिखा दिया, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग भी थी उसमें तो कंबाइंड भी दिखा दिया। तो ये एक प्रोजेक्ट को इतना इसने डिफाइन किया हुआ है, ऐसे ही हमें चार प्रोजेक्ट को करने हैं। अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो देखो, ये पोर्टफोलियो मोहित का है, ये भी आपका सीनियर बैच का है, जस्ट का स्टार्ट हुआ था, अभी फाइनल वाला प्रोजेक्ट हमने नहीं रखा हुआ है क्योंकि फाइनल मैंने लिया ही नहीं। तो टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसने अबाउट मी डाला, विजन एंड मिशन डाला, पोर्टफोलियो डाला, ठीक है, और फिर अपने बारे में एक पेज में, आज आपको बस इतना भी स्टार्ट कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, अबाउट मी डाल दिया, इस सब मैं सैंपल्स आपको भेज दूंगा, विजन डाल दिया, अपना मिशन डाल दिया, ज़रूरी नहीं इसको डालना, इसने लिखा हुआ है पोर्टफोलियो। अब इसने अभी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है, G+4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो इसने क्या डाले हुए हैं, प्रोजेक्ट डाले हुए कुछ, ये सब जी मेल गूगल से पिक्चर ले आया हुआ है। G+2 का प्रोजेक्ट है, 2000 स्क्वायर फीट का, शेप ऑफ रेक्टेंगल, इरेगुलर प्लान है ये, ठीक है, तो उसका प्लान पहले दिखा दिया, तो जो प्लान आप करे हो वैसे ही प्लान इसके भी है, और प्लान दिखाने के बाद उसको स्टैट्रो में उसका स्नैपशॉट ले लिया, एक स्नैपशॉट तो सबको पता ही होगा, ठीक है, उसके बाद उसका एरर वार्निंग्स दिखा दिया, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर उसके स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट दिखा दिया कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कैसे कैसे है, तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, नंबर ऑफ स्टोरीज है, शेप ऑफ द बिल्डिंग्स है, सब दिखाया, ज्योमेट्रिक डिटेल्स दिखाया, मटेरियल यूज दिखाया, डिज़ाइन कोड्स दिखाया, और उसके बाद लोड कंसिडरेशन दिखाया, और फिर ये फाइनल तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया। तो देखो इसने एक प्रोजेक्ट को कितना मेहनत से, कितना बेहतरीन तरीके से दिखाया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से फुटिंग की ड्राइंग दिखा दिया RCDC में। एक और पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ आपको, ऐसे ही करके हम लोग करीब करीब 3 से 4 प्रोजेक्ट हम लोग जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होंगे उनको ऐड करेंगे इसके अंदर, 3 से 4 प्रोजेक्ट। देखो एक आपकी सीनियर प्रीति साहू करके है, उसने दिखाया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट, अब जो अपने प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट दिखाया इसने, G+4 का, G+3 का, होटल प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, प्रोजेक्ट का मॉडलिंग दिखा दिया, प्रोजेक्ट का मटेरियल। तो अब आप इसमें से किसी का भी मेथड फॉलो करिए, सबका बेहतरीन है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप टिपिकल एक ही मेथड फॉलो करो, आप फ्री हो। फिर इसने आर्टिस्टर प्लान दिखा दिया, ठीक है, फिर स्टेटफो के डिटेल दिखा, मैं आपको करीब करीब 10 से 15 पोर्टफोलियो भेजूंगा, उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसके तरह बना सकते हैं। CF और बेंडिंग मोमेंट दिखा दिया, डिटेलिंग्स दिखा दिया, स्लैब की डिटेलिंग दिखा दिया, कॉलम लेआउट दिखा दिया, फुटिंग लेआउट दिखा दिया, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, हॉस्टल प्रोजेक्ट, ठीक है, तो हॉस्टल प्रोजेक्ट बड़ा था तो उसको दिखाया लेआउट, उसके बाद उसका स्टेट प्रो पे डाटा दिखा दिया, और इसके बाद सीयर बेंडिंग डिटेलिंग्स, कॉलम डिटेलिंग्स, और उसके बाद बीम डिटेलिंग्स, और बीम एंड स्टेयरकेस डिटेलिंग्स, फिर स्लैब लेआउट, फिर इसमें कर दिया। तो ऐसा भी बना सकते हो। जो पोर्टफोलियो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हैं इसने भी ऐसा बनाया कि नहीं। ये भी स्ट्रक्चर इंजीनियर ही है। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पोर्टफोलियो, ठीक है, इसने सिंपल स्ट्रक्चर्स पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड डिज़ाइन, और उसके बाद प्रिपेयर्ड अपना दिखा दिया, इसने स्टेड और ETFs को यूज किया हुआ है, ठीक है, तो इसको दिखाया, मॉडल्स दिखा दिए, थोड़े सा अपना एड्रेस वेड्रेस दे दिया,
उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स के नाम दे दिए कि पहला प्रोजेक्ट इसने 4 से 12 पेज तक दिखाया हुआ है, दूसरा इतने में, तीसरे इतने में, चौथा इतने में, और इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट इसने दिखा दिया। और इसका हॉस्टल प्रोजेक्ट, स्कूल बिल्डिंग्स, रेजिडेंट बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल प्रपोज बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया है पहले स्टार्टिंग में ही। बाद में डेफिनेटली उसने और प्रोजेक्ट ऐड किए होंगे, 5 प्रोजेक्ट पर मुझे भेजा था इसने। फिर इंट्रोडक्शन दिया इसने कि पहला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, ठीक है, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ होती है इंट्रोडक्शन दे देना। उसके बाद प्रोजेक्ट का बेसिक डिटेल, कितने फ्लोर का है, ठीक है, और क्या क्या इसके साइजेस हैं, और G+8। अब ये प्रोजेक्ट आप लोग कर चुके हो, कौन सा प्रोजेक्ट है, ये वही प्रोजेक्ट है जो आपने किया हुआ है, ठीक है, आशीष प्रोजेक्ट वाला। तो ये पूरा का पूरा होटल दिखा दिया, फिर उसका प्लान दिखा दिया, फिर उसके बाद उसका बीम लेआउट दिखा दिया, फिर यहाँ से पोर्टफोलियो दिखा, मतलब फिर फ्लोर, 6th फ्लोर और ये दिखा दिया, फिर स्टेटमेंट ऑफ स्टेयरकेस दिखा दिया, मतलब जो जो चीज़ें यूज हुई हैं, लिफ्ट यूज हुआ है, स्टेयरकेस यूज हुआ है, नंबर ऑफ स्टोरीज इतनी है, AC ब्लॉक्स यूज किया है, RCC फ्रेम्स हैं, ये सब दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, मटेरियल यूज दिखा दिया, फिर कोड कंसिडरेशन दिखा दिया, फिर लोड कंसिडरेशन दिखा दिया कि लोड हमने क्या क्या यूज किया हुआ है, कितने कितने किलोन्यूटन, फिर प्रोजेक्ट की मॉडलिंग दिखा दिया, फिर उसके बाद इसने अपना प्रोजेक्ट का डिटेलिंग दिखा दिया, स्टेप रोड कैसे दिखेगा, फिर लोड वगैरह के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, फिर इस तरीके से लोड। ऐसे मैं आपको 15-20 CV पोर्टफोलियो भेजूंगा, आपको एक एक करके सारे पोर्टफोलियो को पढ़ने हैं, देखने हैं, उसमें से एक पोर्टफोलियो का स्टार्ट इस वीकेंड पर आपको कर देना है। कोशिश करो कि आशीष प्रोजेक्ट का तो हो ही जाए, ठीक है, जो आपके कंप्लीट है उनको तो कर ही डालो। दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस दूसरे प्रोजेक्ट में इसने अपना एलिवेशन वगैरह दिखाया, उसका फीचर बताया। इसका मुझे अच्छा क्या लगा, इसने पूरे फीचर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिटेल्स बताया, मटेरियल यूज बताया, कोड कौन कौन सी यूज किए ये बताया, देखो कितना डिटेल में गया हुआ है, ठीक है, लोड्स बताया, मॉडलिंग्स दिखाया, ठीक है, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लोड, क्या क्या लोड लगाया, ठीक है, एनालिसिस बताया, और मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। इसका 3D दिखाया, 3D दिखाने का, अगर आपके पास कोई 3D आपने बनाया तो भी ऐड कर दो। फिर तीसरा प्रोजेक्ट दिखाया, उसको एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से आपको मैं कई ढेर सारी पोर्टफोलियो भेज दूंगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके सीनियर्स ने बहुत पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो उन पोर्टफोलियो को देखना। अब मैं बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो को बनाना कैसे है, ठीक है। तो 2 मेथड से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। पहला मेथड है वर्ड खोल लेना, जो ये पोर्टफोलियो बना हुआ है ये वर्ड से बना हुआ है। एक्चुअली 3 मेथड आपको बता देता हूँ। वर्ड खोल लेना, यहाँ पर आप पिक्चर सेट कर लेना, सिर्फ पिक्चर ही तो है सारे के सारे, पहले तो जो लिखने हो पूरे लिख लेना, लिखने के बाद पिक्चर्स पे क्लिक कर देना, जो जो आपको पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे पिक्चर मुझे नहीं पता है, बट अपन यूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर देखो, एक प्रोजेक्ट लिया और ये लेने के बाद जस्ट ऐड कर दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चले गए, तो यहाँ पर गए, तो नेक्स्ट वाले में भी हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया पिक्चर्स, ठीक है। इसी से पिक्चर ऐड कर करके पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट हुआ है हमारा, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर गए, तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरीके से ये पोर्टफोलियो जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा इसी वर्ड से बना हुआ है। आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ सर, ये वर्ड से बना हुआ है। बाकी जो पोर्टफोलियो आपने देखे, ये पोर्टफोलियो थोड़े से डिजाइनर हैं, तो ये पोर्टफोलियो बने हुए हैं, ये वाला बना हुआ है कैनवा से, बता देता हूँ कैसे बनेगा ये भी। कैनवा में ही ये वाला लैंडस्केप साइज से बना हुआ है, और ये वाला जो है A4 पेपर साइज पर बना हुआ है, तो ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको। तीसरा मेथड आपको बता दे रहा हूँ कि आप पावर पॉइंट से भी बना सकते हो। अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेना, ठीक है, स्टार्ट सबको कर देना है, जितना बनाए रहना, मंडे को दिखाना, और एक्सेल शीट तो आपको दिखाना ही दिखाना है कि आपने कितना किया हुआ है। पावर पॉइंट खुल जाओ भाई, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको होगा नहीं, बना ही लोगे, मुझे पता है। पोर्टफोलियो ये अपना क्या बोलते हैं, नया पावर पॉइंट खोल लेना, तो सेम काम आप पावर पॉइंट से भी कर सकते हो। ये ऊपर वाला जस्ट डिलीट करना, इसको पूरा का पूरा डन करना, और इसके अंदर अपना पिक्चर इंसर्ट कर करके इस तरीके से, और उसके बाद जो लिखना है आप ऊपर लिखिए डिटेल्स के बारे में, फिर पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड करते ऐसे ऐसे करके पावर पॉइंट से भी बना सकते हो। आपने बोला सर ये तो 2 मेथड हो गया, और कोई मेथड है क्या? यस, जो बाकी लोगों ने यूज किया हुआ है वो कैनवा है, उसे बहुत अच्छा बनता है, ठीक है।
अब बनाना, जो नहीं बनेगा टेंशन मत लेना, गलत बना कहना मैं सही बनाना एक बार और बता दूंगा, ठीक है। मुझे इस सब बहुत अच्छे से आता है कैनवा वगैरह, क्योंकि आपको समय तो बहुत ढेर सारे कैनवा पर काम करने पड़ते हैं। तो हमने जिस कैनवा को लॉगिन कर लिया, कैनवा पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जाओगे, लिखा रहेगा क्रिएट अ डिज़ाइन। क्या लिखा रहेगा? क्रिएट अ डिज़ाइन। तो एक तो है कि A4 पेपर साइज पे बना लो, एक ने बनाया हुआ है राजू ने, ठीक है, एक बनाया है मोहित ने प्रेजेंटेशन इस पे। दोनों ही अच्छे बनते हैं। अगर आप एकदम बड़ा सा दिखाना चाहते हो तो इस पे बनाओ, ठीक है। इस पे बनाने के बाद जस्ट यहाँ पर देखो, सर्च सर्च पे जाओ, यहाँ पर आप डाल दो, आपको चाहिए बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें ना, बिल्डिंग से रिलेटेड थीम। तो यहाँ पर जस्ट बिल्डिंग जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर बिल्डिंग के बड़े ढेर सारे थीम आ जाएंगे, दिख रहे होंगे आपको बहुत से थीम्स, ठीक है। इसमें से जिसमें प्रो लिखा रहेगा उनको मत लेना, क्योंकि वो पेड रहेंगे, और जिनमें प्रो नहीं लिखा रहेगा जस्ट इस पर क्लिक कर देना, ऐसे आ जाएंगे। ये पहला वाला इमेज क्लिक किया, ये देखो इसमें बेनिफिट क्या होता है, जैसे पीछे का सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा दीजिए, या फिर नहीं लगाना है तो लिखिए पोर्टफोलियो, अपना नाम लिखिए, अपना मेल आईडी लिखिए, पहला पेज डन। फिर यहाँ पर प्लस पे क्लिक करिए, थोड़ा आसान काम है ये, प्लस पे क्लिक करिए, दूसरा पेज ले लीजिए। अब दूसरे पेज में आपने बोला कि यहाँ पर मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाना इमेज दिखाना चाहता हूँ, दिखा ना, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये हो गया। मुझे यहाँ पर अपना फ़ोटो दिखाना है तो अपलोड पे क्लिक करो, अपलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर तुरंत ही यहाँ से अपलोड हो जाएगा। सपोज अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, थंबनेल ही है, क्योंकि थंबनेल मैं इसी से बनाता हूँ। तो मैंने थंबनेल को लिया, और ये लेने के बाद जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखो थंबनेल, थंबनेल मतलब आपकी पिक्चर आ गई जो आपने स्नैपशॉट्स लिया हुआ है, ठीक है। ये जस्ट क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अब इस पिक्चर पे आपको जो काम करना है, सपोज इसको हल्का करना है तो थोड़ा बैठ कर चलाना, सैटरडे संडे इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आप इसको सीख सको, कुछ है नहीं, ये देखो हल्का कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ लिखना हुआ है तो ये टेक्स्ट है, यहाँ से सब कुछ लिख सकते हो। ये एलिमेंट है जहाँ से छोटे छोटे टूल्स आपको मिल जाएंगे, रेक्टेंगल, ये साइज, बल वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे टेक्स्ट है, अपलोड ऊपर है। डिज़ाइंस पसंद नहीं आया तो दूसरी डिज़ाइन भी सर्च कर सकते हो, ये देखो बस इसको बस ऐड करते जाओ, यहाँ से प्लस तीसरा पेज, प्लस चौथा पेज, प्लस पांचवा पेज, ऐसे करके पेज ऐड करते चले जाओ। तो ये भी एक तरीका है जिसे आप बना सकते हो। A4 में भी सेम है, जो A4 यूज किया राजू ने उसमें सिर्फ यहाँ पर डाल दो बिल्डिंग्स, बॉस बिल्डिंग की थीम आ जाएंगी, ठीक है। आप सपोज तुमने यहाँ से तो प्रो है, ये वाला फ्री है, ये भी प्रो है, प्रो मतलब पेड है, ये आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप पे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू। ये देखो इस तरीके से, इसमें थोड़ा सा काम आपको खुद से करना पड़ेगा, ऐड पेज, और ऐसे एक एक करके इनको अलग अलग थीम लेने पड़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग या तो आप इसको यूज करो, ये वाला बहुत अच्छा है, ठीक है। ये यहाँ पर जस्ट क्लिक किया था हमने कहाँ पर, प्रेजेंटेशन पे, इससे बनाओ, नहीं तो फिर वर्ड से बनाओ। तो वर्ड में बनाओगे तो मुझे लगता है ज़्यादा आराम रहेगा आपको, क्योंकि वर्ड में तो आपका प्रैक्टिस भी रहेगा और फटाफट बनता चला जाएगा पिक्चर ऐड करते हुए, ठीक है। ट्राई करो, अगर आपको लगेगा कि सर मेरा बन नहीं पा रहा है तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा कि देखो ऐसे बना सकते हो। समझ में आया क्या? कमेंट करना थोड़ा बहुत आइडिया लगा, अभी पूरा बनाना नहीं इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको कैनवा एक पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा कैनवा के बारे में। जस्ट आज क्या करना है, फोटो लगाना है, अबाउट मी, ये प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, बस इतना ही बना दिया तो पर्याप्त हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? कमेंट करो, सरोज हो जाएगा। ओके, मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, वो डीप में नहीं गया हूँ मैं, और डीप के लिए मेरे पास एक वीडियो है मेरा, मैं भेज दूंगा, ठीक है, तो उस पर भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट एक समरी दिया कि ऐसा ऐसा कुछ करो, क्यों? क्योंकि आपके पास सैटरडे संडे है ना, तो इसका बेनिफिट हो जाएगा कि सैटरडे संडे में कुछ तो रेडी हो जाएगा, किसी का हो सकता है एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। मोनिका कितना इंस्टॉल हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ अभी? मोनिका अपना स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, इसके में कुछ फाइल में मिसिंग है मुझे ऐसा लग रहा है। आतिश तुम्हारा हो जाएगा तो कमेंट कर देना। मोनिका अपना स्क्रीन शेयर करो, बढ़िया।
लैपी ऑफ हो गया था सर एकदम। ओके ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया क्या डॉट नेट? सर कहाँ पे पता चला है इंस्टॉल हुआ? अच्छा, फिर से वो स्टैट कोड को, सॉरी आरसीडीसी वाला सेटअप फिर से चलाओ, अगर हुआ होगा तो आपको शो करेगा। हो गया, तब तक इन सबको साइड करके इसके पीछे क्रैक फाइल उसको कॉपी कर लो, ये सबको साइड कर लो थोड़ा थोड़ा, ये पहले ऊपर वाला सबसे पहला वाला थोड़ा थोड़ा साइड कर लो। होने दो हो गया है, रुक जाओ पता चला इसके सर हो गए क्या पोर्टफोलियो का? तो कहाँ थे? नहीं सर मतलब हो गया तो मैं अभी लीव करने वाला, लेट हाँ करने हाँ हाँ वाला। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं जिसका भी हो गया है। हो गया ठीक अभी जस्ट इंट्रोडक्शन, अभी सेटअप को खींचो इधर मोनिका, शायद हो गया है देखें। अभी रुको रुको रुको, बंद मत करना बंद मत करना, एक मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो रहा है ना ऊपर देखो, अभी हो रहा है कंप्लीट, होने दो इसको, बाकी लोग जा सकते हैं जिसको देखना है एक्चुअली इस तरह के प्रॉब्लम्स, क्योंकि फ्यूचर में तो किसी ना किसी के लैपटॉप में होता ही है, तो आपको लर्निंग चाहिए तो देख सकते हो। हाँ अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लोज सेटअप इधर करना, ऐसे नो 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 उसको सेटअप नहीं, ये वाला खींच के, हाँ इसको इधर खींच, हाँ क्लोज कर दो इसको, नीचे से क्लोज करो, हाँ अब वो क्रैक के ऊपर जाओ, क्रैक के अंदर वो दोनों फाइल को कॉपी कर लो ऊपर वाली, हाँ कॉपी करो, जस्ट मुझे एक बार रीडमी वाली फाइल एक बार ओपन करना, जिसके नीचे रीडमी है इस पर क्लिक कर दो, याद है बट एक बार देख लेते हैं। देखो 64 बिट लिखा हुआ है, सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल 86 में, स्टेट आरसीडीसी, जाओ सी में जाओ फटाफट, थोड़ा फास्ट करना क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी रहेगी, सी में जाओ, अब यहाँ पर जाओ 86 और ऊपर और ऊपर ऊपर, यहाँ प्रोग्राम फाइल 86, इसमें देखो स्टेट आरसीडीसी नीचे रहेगा, ये देखो ये है जस्ट नीचे, और हाँ और ऊपर 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 इसके अंदर जाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो बगल में, क्लिक कर राइट क्लिक करके पेस्ट 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 रिप्लेस, फिर से कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, फिर से सेटअप के पास जाओ, वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रैक रखा हुआ है, सभी लोग पोर्टफोलियो रेडी करेंगे, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ जाओ जो सेकंड क्रैक है, सेकंड क्रैक नो 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 जो सेकंड क्रैक उसको एक्सटेंड करो, और लेक्चर 30 तक सभी लोग कंप्लीट, ऐसे नहीं करना है, एक्सटेंड करने का तरीका बता दो ना, 7 जीप से कट करो इसको, राइट क्लिक 7 जीप एक्सटेंड, हाँ ठीक है, तो पोर्टफोलियो रेडी कर लेंगे लेक्चर 30 तक एक्सेल शीट के साथ कर लेंगे, बस यही हमारा वीकेंड्स का असाइनमेंट रहेगा, तो नेक्स्ट वीक हम लोग डिटेलिंग्स पढ़ेंगे। क्रैक में जाओ, क्रैक के अंदर डबल क्लिक करो, हाँ अब इसमें ऊपर वाला जो क्रैक है उस पर राइट क्लिक करो, फिर
फिर से उसको एक्सट्रैक्ट क्लिक कर राइट क्लिक, क्लिक कर राइट क्लिक, 7 जीब, हाँ एक्सट्रैक्ट, यस सेटअप पे जस्ट क्लिक करो, ऊपर वाला सेटअप, ऊपर वाला सेटअप राइट क्लिक, क्लिक करके राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ऊपर ऊपर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ऊपर उस पर क्लिक करो फ्री, हाँ इस पर क्लिक करो चैट पे, वो कॉर्नर पे, कॉर्नर पे देखो एरो बना हुआ है क्लिक करने के लिए, हाँ यहाँ से स्टैट आर देखो स्टैट प्रो वी ए टाइप सबसे ऊपर, हाँ ये क्लिक करो, अब एक्टिवेट पे क्लिक कर दो, डन ओके कर दो, हो गया क्लोज कर दो। चलो अभी इंटरनेट ऑफ करके फिर से ट्राई कर लेना, वैसे तो 100% हो गया है, इन केस नहीं हुआ तो क्रैक फिर से कर देना, ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी इंस्टॉल हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि क्रैक, एक्चुअली क्रैक तुम्हारा उड़ा दिया होगा वायरस ने आतिश, फिर से ऑन करो क्या बोलते हैं अपना एंटीवायरस ऑफ करके तो हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ सुमित, हाँ बोलो ना समीर। सर मैंने असाइनमेंट भेजा था सर, मैंने कटप्पा वाला असाइनमेंट बनाना है नेक्स्ट, तो सर उस असाइनमेंट में मेरा एरर तो नहीं है कोई, आप एक बार देख लीजिए, मुझे कॉलम में थोड़ा कुछ पूछना था उसमें। अभी देख तो नहीं पाऊंगा क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है नेक्स्ट, ठीक है अभी क्या बोलते हैं नेक्स्ट पूरे साउथ कटप्पा है ना ये? नहीं नहीं मैंने सर 30x54 में सर कॉलम का साइज जो था ना उसमें जैसे जैसे बिल्डिंग में था हाँ। तो वैसे दे दिया, तो सर उसमें एक और पूछना था कि उसमें एक्स और वाई जो रेशो रहता है 60x40 हाँ। उसमें ज्यादातर मैंने देखा कि सारा कॉलम जो है वाई की तरफ ही है, कोई एक्स की तरफ नहीं है, मगर वो मेरा पास कर गया और आरसी डिजाइन भी पास कर गया जो उसमें कंक्रीट डिजाइन है स्टैड में, कोई दिक्कत नहीं, तो और स्टील परसेंटेज भी कॉल में सर 0.87 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है तब सही है। ओके मैं तुरंत ही इस वीडियो को कोशिश करूंगा अपलोड कर दूंगा अभी इंटरनेट पे, तुरंत देख लेना ठीक है। चलो सभी लोग कोशिश करना कि मंडे को आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाए विथ योर फार्मेसी प्रोजेक्ट, जिसका भी फार्मेसी प्रोजेक्ट का डिटेलिंग नहीं क्लियर है मैं कुछ डिटेल ड्रॉइंग्स आपको भेजूंगा, कुछ पोर्टफोलियो भेजूंगा, उनको देख के कोशिश करना कि वहां तक आपका पहुंचा रहे, जिससे नेक्स्ट वीक में हमारी डिटेलिंग के साथ कंप्लीट हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए और स्टेट प्रो को हम लोग नमस्ते बोलने के कंडीशन में आ जाए, ठीक है। समीर फटाफट लेक्चर कंप्लीट करो, उन्हें छूट जाएगा तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, ठीक है चलो।